कर रहे हैं। जब आप अच्छा करो तो अच्छा करो, देखिए क्या कह रहा है, जब आप अच्छा करो तो अच्छा करो, ये वही हो गया यानी के यानी। चलिए आप इस वीडियो को भी देखिए, एक हिंदू बहन ने जब गुरु जी से सवाल करता है कि हम तो हमेशा अच्छा काम करते हैं पर हमको इसका उल्टा रिजल्ट क्यों मिलता है, हम तो हमेशा अच्छा काम करते हैं पर हमें इसका उल्टा रिजल्ट क्यों मिलता है, गुरु जी का जो जवाब होता है अजीब होता है, सवाल गंदम जवाब जाना, यानी सवाल कुछ होता है जवाब उनको कुछ और मिलता है। आप इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिए और समझिए इन्होंने क्या जवाब दिया। राधे राधे गुरुजी, जी 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 गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं, हम करते तो सभी के साथ अच्छा है लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा मिलता है एकदम। ये कहते हैं करते तो हम सभी के साथ अच्छे लेकिन हमें रिजल्ट उल्टा मिलता है, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा मिलता है एकदम। देखिए आप अच्छा रिजल्ट चाहती हो, क्यों ये कह रहा है, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलना चाहिए, पता चला आपने कोई भी काम किया कि आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। जब आप अच्छा करो तो अच्छा करो, देखिए क्या कह रहा है, जब आप अच्छा करो तो अच्छा करो, ये वही हो गया यानी के यानी। आपने ये कैसे मान लिया कि आपने अच्छा किया? अरे भाई कोई आदमी अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसके काम के बदले कुछ उनको मिलने चाहिए ना, तो ये उनको ये कह रहे हैं कि आप अच्छा करो तो अच्छा करो। लीजिए भाई हद हो गई, किसी के साथ अच्छा नहीं करती हो मेरी माँ, आपको भगवान ने अक्ल दी है, भगवान आपसे कुछ अच्छा करवा रहे हैं तो समझ लो कि भगवान हमसे कुछ अच्छा करा रहे हैं, हम क्या है करने लायक। अब परिणाम हमने अच्छा किया है तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे, सामने वाला थोड़ी अच्छा करेगा। आप अपने संस्कारों के हिसाब से काम करते हैं, सामने वाला अपने संस्कारों के हिसाब से काम करता है, जरूरी थोड़ी है आम के पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं पर आम किसी पर पत्थर नहीं फेंकता, वो तो फल देता है। तो पत्थर फेंकने के संस्कार हमारे हैं, उसके संस्कार है फल देने के। आपने सुना, आपको ये बात समझ में आई नहीं आई होगी क्योंकि इन्होंने इस तरह से जवाब उनको दिया घुमा फिरा कर कि उनको भी ये बात समझ में नहीं आई होगी कि इन्होंने गुरु जी ने क्या कहा। हालांकि उनको सीधे अल्फाज सीधे शब्द में उनको ये बता देने चाहिए था कि आप जीवन भर अच्छा काम करते रहिए, कभी न कभी भगवान आपको अच्छा फल देंगे, आप हमेशा जिंदगी में अच्छे काम करते रहिए, आप अच्छे काम करते रहेंगे इस संसार में तो आपको आइंदा जन्म है, आपको जब आइंदा जन्म होगी तो उसमें आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपको इस संसार में नहीं मिल रहा है तो आप इस बात पर यकीन रखिए कि आपको आइंदा जन्म जो होगी उसमें आपको बेहतरीन फल मिलेंगे। ये गुरु जी उनको पता नहीं क्या क्या बोलकर उनको समझाते, बेचारे वो भी मासूम, क्या उनको समझाया। पत्थर फेंकने के संस्कार हमारे हैं, उसके संस्कार है फल देने के। आप सबके साथ अच्छा करो, भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे, और आप ये मत कहो कि मैंने अच्छा किया, भगवान ने हमें निमित्त बनाया है। ये तो नहीं है भाई, आप हमेशा अच्छा काम करते रहिए, आप के ऊपर अगर कोई पत्थर भी मार रहा है तो आप उसके बदले आप उनको आशीर्वाद दें ताकि आप संसार में भी लोग अच्छी निगाह से देखें, अच्छे समझे जाएंगे, यही तो अच्छे लोगों की पहचान है। तो पता नहीं गुरु जी उनको क्या समझा। अच्छा किया, भगवान ने हमें निमित्त बनाया है कुछ अच्छा करने के लिए तो भगवान हमसे करा रहे हैं, बाकी हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, हम करते हैं ये अभिमान मिटा। ये तो ये कोई भी इंसान करता है तो समझो कि भगवान द्वारा ही होता है, लेकिन कोई इस बात पर तो जोर नहीं डालता है कि हमने ही ये काम किया है, हम नहीं होते तो ये काम ना होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अचानक से कोई चीज़ उसको समझ में आ जाता है, कोई चीज़ उसको मिल जाता है तो कहते हैं ये भगवान का दिया हुआ। पूछना चाहते हैं हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है, इसका क्या कारण है, कोई उपाय हो तो आप बताइए। पूछ रहे हैं कि हमारे शौहर बहुत सारे पैसे कमाते हैं उसके बावजूद मेरे घर पे मेरे पास पैसे नहीं ठहर पाते, पैसे नहीं रुक पाते, इधर से आते इधर चले जाते,
गुरु जी कह रहे हैं कि आप पैसे को मेरे पास जमा करा दिया, तेरी कर लीजिए, काम करो जितना कमाए करो, मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है, बताइए उस रुकेगा, मेहनत करो, खर्चे कम। कोई बताने चाहिए कि हाँ आप अपने फजूल खर्चे जो आपके आउट ऑफ खर्चे उनको आप हिसाब किताब से खर्च कीजिए, आप पैसे को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, गलत जगह आप बिल्कुल पैसे को इस्तेमाल ना करें तो आपके पैसे अब यहाँ से रुकेंगे सीधा। कुछ भी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि गीता पढ़ने के बाद अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है क्या? बेटा जितना अधिक पढ़ना, गीता पढ़ने के बाद अन्य किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती का सवाल है। फिर भी गीता के लिए आप और पढ़ना चाहे, वैसे कल्याण कोई गीता के आधार पर चले तो पर्याप्त है, जरूरत नहीं है, पर फिर भी ज्ञान और हासिल हो तो क्या बताइए।